नमस्ते बच्चों, सीएलईज के सीबीएसई स्कूल चिकोड़ी कक्षा सातवीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार में शब्दों के भेद। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि शब्द क्या होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को हमने देखा है कि सार्थक समूह क्या होता है, जिससे एक सार्थक अर्थ निकले, है ना। इसीलिए कहते हैं कि वर्णों का जो समूह होता है, जो वर्ण होता है, उनके व्यवस्थित समूह होना बहुत ही अनिवार्य होता है। बच्चों, अगर वो समूह व्यवस्थित या सार्थक नहीं है तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। तो हमने कल की कक्षा में कमल, सूरज, गमला या पौधा, इसके उदाहरण से हमने समझ लिया कि सार्थक समूह क्या होता है, जिससे एक अर्थ निकल सके। तो इस शब्दों के भेद को आज हम जानने वाले हैं। शब्दों के भेद जो हैं, उनके भेद हमने कल पिछले क्लास में देखा है, उनके भेद चार हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के चार भेद हैं। एक है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशी, चौथा है विदेशी। इन चार शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। ये शब्द क्या हैं, आज की इस कक्षा में आज हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों, शब्द विचार में आज हम देखने वाले हैं शब्द के भेद में। शब्द भेद में पहला प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार भेद हैं। पहला प्रकार जो है वो है तत्सम। पहला प्रकार कौन सा है? तत्सम। ठीक है, तत्सम शब्द। दूसरा प्रकार आता है तद्भव शब्द। तीसरा है देशी। और चौथा है विदेशी। ठीक है, चौथा शब्द कौन सा है? विदेशी। ये चार प्रकार जो है वो उत्पत्ति के आधार पर, शब्द के उत्पत्ति के आधार पर इनका, इनके चार भेद माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक कर आज की इस कक्षा में हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कैसे हैं वो देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहला भेद जो वो है तत्सम शब्द। ठीक है, पहला जो है वो है तत्सम। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत से आए हुए, जो कि तो उनका उपयोग हम कहां पर करते हैं? हिंदी भाषा में करते हैं। संस्कृत में आए हुए जो शब्द होते हैं, जैसा है वैसा ही उपयोग हम हिंदी में करते हैं। जैसे कि जल हो, अग्नि हो, शिक्षक हो, है ना, इनका उपयोग हम जैसा है, मतलब ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के ही हैं, हाँ, ऐसे शब्दों का उपयोग हम हिंदी भाषा में जैसा है वैसा ही किया है, करते हैं ना हम, हाँ, तो इसे, इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। शब्द वे शब्द संस्कृत भाषा से
जो कि त्यों में लाए जाते हैं, ठीक है। वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, वे शब्द संस्कृत भाषा से जो कि क्यों मतलब जैसा है वैसा ही शब्द हम अपनी भाषा में उपयोग करते हैं, कि हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण जल, पर्वत, अग्नि, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं हम? संस्कृत भाषा से जो कि त्यों में, जो कि त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्कृत भाषा से जल का हम प्रयोग हिंदी में करते हैं ना बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं हम? तत्सम शब्द कहते हैं। अब दूसरा प्रकार जो है तद्भव, तद्भव शब्द, ठीक है। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत शब्दों का परिवर्तित रूप होता है, परिवर्तित रूप होता है। ठीक है बच्चों, वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत है और उन संस्कृत शब्दों का परिवर्तित रूप होता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि जल का हम करते हैं पानी, है ना, जल का हम करते हैं पानी। अग्नि, अग्नि का हम क्या करेंगे? आग। पर्वत का पहाड़। इस प्रकार से जो संस्कृत शब्द है वो हिंदी में आते वक्त उनका परिवर्तित हो जाता है, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार है देशी। कौन सा है? देशी, ठीक है। तीसरा प्रकार कौन सा है? देशी शब्द। देशी शब्द वे होते हैं जो क्षेत्रीय भाषा से आए हुए हैं। वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा से आए हुए हैं उन्हें देशी शब्द कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा से आए हुए हैं, यानी कि हमारी भाषा जो है वो 10-10 किलोमीटर के अंतर पर बदल जाती है, क्योंकि वहां पर जो बोली होती है उसी बोली में क्या किया जाता है, उस भाषा को बोला जाता है। अगर हमारी जो हिंदी है, अगर आप इसी हिंदी को राजस्थानी जाओ, गुजरात में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, यहाँ पर हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन उनकी जो भाषा है वो अलग अलग, उनके क्षेत्र के अनुसार उसी भाषा के शब्द वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि अब देखिए, देशी जो शब्द होते हैं वो होते हैं पगड़ी,
उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं पगड़ी, डिबिया। ज्यादातर प्रत्यय लगा हुए जो शब्द होते हैं वो देशी शब्द कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? देशी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो क्षत्रिय भाषा से आए हुए हैं। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां पर कुछ ऐसी बोली भाषा का प्रचलित रूप होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे शब्दों को देखते हैं। समझ में आ रहा है? अब चौथा जो प्रकार है वो है विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द देखिए बहुत सारे हैं विदेशी शब्द, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है वो हर एक भाषा का शब्द हिंदी में समाविष्ट है बच्चों, वो विदेशी भाषा कहलाती है। देखिए विदेशी भाषा क्या होती है, चौथा प्रकार जो है विदेशी, चौथा प्रकार जो है विदेशी शब्द चौथा प्रकार कौन सा है विदेशी शब्द। वे शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में समय समय पर आए हैं, जो शब्द विदेशी भाषा से समय समय पर नहीं कि जो शब्द विदेशी भाषा से आए हुए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि अगर हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं अंग्रेजी के, उदाहरण में हम यहां पर लेते हैं अंग्रेजी के शब्द जो है देखिए डॉक्टर। डॉक्टर जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है, उसी के साथ साथ स्टेशन, पेंसिल, ऐसे जो शब्द हैं वो अंग्रेजी हैं। कुछ ही शब्द मैं यहां पर देती हूं, देखिए पेंसिल डॉक्टर, पेंसिल। उसी के साथ साथ फारसी शब्द भी हैं, फारसी शब्दों में देखिए फारसी किताब, जमीन, जमीन, ये जो है वो फारसी शब्द हैं। चीनी शब्द चाय, लीची, ऐसे जो शब्द हैं वो चीनी से आए हुए। दो दो उदाहरण मैं यहां पर दे रही हूं। दूसरा है अरबी, कागज, कागज। उसी के साथ साथ कानून, अमीर, गरीब, अमीर, गरीब। पुर्तगाली में आता है देखिए पुर्तगाली भाषा में हम देखते हैं अलमारी, तौलिया, ऐसे जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द हैं बच्चों। ये हमारी हिंदी में समय समय पर आए हुए हैं, और आज की जो भाषा हम बोलते हैं वो है खड़ी बोली हिंदी भाषा, जो कि हिंदी का सुधारित रूप है। और इन शब्दों का उपयोग कर हम क्या करते हैं, इस हिंदी भाषा को हम बोलते हैं। बहुत सारे मतलब संस्कृतस्म हो, तद्भव हो, विदेशी हो, विदेशी हो, इन सभी भाषाओं को मिक्स कर हम आजकल क्या कर रहे हैं, हिंदी को बोल रहे हैं। तो बच्चों ये जो आज का इस भाग में हमने देखा है, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनके आधार पर चार भेद थे, जो कि पहला हमने देखा तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा हमने देखा देशी, और चौथा जो है वो है विदेशी।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं इनका आज हमने परिचय किया है। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो आज की इस कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।